पिछले दिनों से गदगद हूं क्योंकि आप लोगों ने जो प्यार दिया है जगह जगह पे, हम इसी के कायल हैं। भगवान ये प्यार देते रहे आप लोग, आप लोग हमारा साथ और आशीर्वाद देते रहे, और मैं कहती हूँ कि हमारे लिए सबसे अमूल्य चीज है, हम इसी के लिए दौड़ रहे, भाग रहे हैं, चलते रहेंगे। आप ये बस प्यार देने लगे इतना मत, और मैं आपको विश्वास देना चाहती हूँ कि काम में कोई रुकावट नहीं आएगी। ये सबसे बड़ी चीज हमारे लिए, हमारी अमानत, हमारा ये परिवार। राजस्थान में प्यार बांटने का काम, क्योंकि घायल है राजस्थान, राजस्थान के बीच में दीवारें खड़ी हो गई हैं, जात जात से लग रही है, मजहब से लग रहा है, और राजस्थान आगे बढ़ ही नहीं रहा। मैं सबको ये कह दिया कि ये मेरा सौभाग्य है कि एक ऐसा प्यार देने वाला परिवार मिला जिसके 36 के 36 कौम और सब मजहब अपने हैं, जिनकी किसी की तो बहू हो, किसी की बेटी हो, किसी की संगनी हो, परंतु यही चीज है जिसके लिए हम लोग दौड़ रहे और भाग रहे हैं। जब मैं देखती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है, और मुझे फिर विश्वास हो जाता है कि राजस्थान, जिसका राज 55 साल से एक ही पार्टी और एक ही परिवार ने करके गड्ढे में डाला है, इस राजस्थान का भी भविष्य हम अलग सब लोग मिलकर आगे ले जाने की कोशिश करते हैं तो प्रगति इसमें होगी, हम लोग इसको बढ़ा सकेंगे। और अगर आज दुनिया गुजरात का नाम लेती है, 15 साल में गुजरात कहां से कहां पहुंच गया, अगर गुजरात के साथ साथ मध्य प्रदेश का नाम लेती है, 10 साल में देखो मध्य प्रदेश कहां पहुंच गया। तो राजस्थान हमको भी 5 साल मिलेंगे तो मैं भी विश्वास करती हूँ कि हमारा राजस्थान भी एक व्यक्ति की वजह से नहीं, परंतु इस पूरे परिवार की वजह से आगे बढ़ेगा, अपना नाम कमाएगा, अपने बच्चों के आंखों में एक आशा देखी है, एक जलन देखी है, एक ऐसी बात उनके सब में अंदर है कि हमको मौका मिल जाएगा तो हम भी अपना सब कुछ बना के रखेंगे। मैंने माता और बहनों की आंखों में देखा है कि मौका मिले और हम भी अपने राजस्थान को बनाने के लिए जुड़ जाए। मैंने अपने बुजुर्गों को देखा है जो आज कहते हैं कि हमारी जिंदगी चली गई, परंतु लोग मेरा हाथ तेरे सर पे, मेरा आशीर्वाद तेरे को, और तुम इसको बढ़ाते रहो और ये पूरा परिवार बढ़ के चलेगा, तो किसी एक जात का नहीं, किसी एक मजहब का नहीं, परंतु पूरे राजस्थान का इसके अंदर बड़ा होगा। क्योंकि वाकई में मानती हूँ कि ये एक मंत्र है, और मैं एक बार नहीं 100 बार भी इस मंत्र को बार बार जपूंगी तो ये सबके कान में जाके बैठेगा कि हमारा तब ही विकास हो सकता है जब पूरा परिवार प्यार से जुड़ता है और किसी के बीच में दीवारें नहीं है। ये कांग्रेस को भी अब चुनाव का टाइम आएगा, वो भी फिर से दीवारें खड़ी करने की कोशिश करेंगे, ये दीवारें नहीं खड़ी होंगी, ये सब प्यार से चलेंगे और राजस्थान का नाम फिर से होगा। इतना कहते हैं आप सबको बहुत बहुत, उसके साथ राजस्थान का इशारा मेरे को मिल गया।